जाओ, बस रोना बंद कर, देखा कोई नहीं आएगा, घर से कोई सवाल नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो गया। बस मैंने टीचर जी से झूठ बोला, वो कितने भरोसे से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उन्हें दुखी किया, वो सच बोलना सिखाती है और मैंने उनके सामने झूठ बोला। मुझे इस वक्त आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ भैया, मेरे साथ भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप चलो, आप चलो, मैं घरवाली को दवाई पिला के आता हूँ। पिला के आता हूँ। बोल भाई खजान सिंह, क्या करना है उस मास्टरनी का? करना क्या है सरपंच जी, गांव के बाहर फेंक दो उस बज्जात को। पीढ़ियों पुराने रीति रिवाज की जरा भी इज्जत नहीं उसे, बड़ों से बात करने का ढंग नहीं। अरे हमें हमारा धर्म सिखाएगी, पाप और पुण्य का भेद समझाएगी। उसके बदले की बात तो मैं विधायक जी से कर लूंगा, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले महीने तक उस मास्टरनी की विदाई इस गांव से करवा देंगे। लेकिन सरपंच जी, सिर्फ बदली करने से क्या होगा? सरकारी अफसर और पुलिस के सामने कितनी छिछालेदारी हुई है इस गांव की, उसकी सजा तो मास्टरनी को देनी होगी ताकि उसको भी कुछ सबक मिले। तो काका जी क्या बोलते हो, क्या करना चाहिए? अरे करना के है भाई, हमारा जमाना होता तो हम उस मास्टरनी को इतना आगे बढ़ने ही नहीं देते। अरे उसकी औकात क्या है, हैं? एक औरत ही तो है। अरे हम इतने सारे मर्द मिलकर सोच विचार कर रहे हैं और समस्या क्या है, एक औरत। अरे हमारे जमाने में तो मर्दों के सामने औरतों की आवाज नहीं खुलती थी, और ये मास्टरनी भाषण दे, भाषण पे भाषण। काका कल और आज की बात छोड़ो, कोई उपाय है तो बताओ। अरे उपाय है क्यों, उस मास्टरनी के खिलाफ केस करना है, मैं बताता हूं तने। मास्टरनी है, मार मार, निकाल मार। देखो आगे मत आना, मैं कहती हूँ वहीं रुक जाओ। अरे निकाल बाहर, निकाल इसको, निकाल बाहर, निकाल बाहर, निकाल बाहर, निकाल देखते हैं कौन आता है बचाना तुझे, क्या कौन आता है देखते हैं बचाना, चल 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 होने दे तेरे टीचर को, तू क्यों मरे जा रही है? खबरदार जो कभी तूने उसके बारे में सोचा भी, कभी उसका नाम भी जुबान पर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात गांठ बांध कर रख रहे आनंदी, टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। क्या कर रहे हो आप, शांति से बात करो ना, छोरी पर कहीं गुस्सा कर रहे हो, जानते हो उसे बुखार है। अरे तो संभाल अपनी छोरी को, टीचर जी लगा के रखा हुआ है। Oh,
बस बस रोना नहीं है। की मां जरा पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। ले आया आनंदी के लिए कपड़े? हाँ ले आया, ये देखो ये गुड़िया भी लेकर आया इसके लिए। अरे बाहर धूप तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता ने सारा प्रताप अपना हमारे जिले में दिखाने की ठान ली है। अच्छा सुनो छास से। अभी लाई। आप आनंदी के लिए कपड़े क्यों लाए? उसके कपड़े उसके बापू अम्मा खरीदे, हम क्यों लाकर दें? प्रश्न है जगिया, बाहर त्योहार पर लेन देन तो होता ही है, उन्होंने भी तो भेजे हैं तेरे लिए। भैरू ले, कब आया? कपड़े ले आया ना? जी मां ले आया। ये छोरे ये क्या कर रहा है तू? हैं? चल चल अभी बताती हूँ तुझे। बहुत ही बिगड़ गया है रे तू छोरे, हैं? अभी शिकायत लगाती हूँ तेरे बाबा से। भैरो भैरो देख देख ये तेरे सपूत की करतूत। अरे ये क्या किया रे जगिया? दोस्तों में शादी की फोटो दिखानी है मैंने, मगर मेरी फोटो में ये चुहिया मेरे साथ दिखे, ये मैंने नहीं चाहिए। अरे भले आदमी, अगर बीदड़ी की फोटो काट देगा दोस्तों को भरोसा कैसे दिलाएगा कि तेरा ब्याह हो गया? बोलूंगा कि ब्याह के बीच भाग गई थी वो चुहिया, वो भी मुझसे डर के, इसलिए उसकी फोटो नहीं है। बंद करो ये खी 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 खी। छोरा शगुन कर रहा है और तुम लोगों को ठिठोली सूझ रही है? कोई शगुन अब शगुन नहीं होता दादी सा। अरे सुमित्रा, अरे इतना हंसने की जगह अपनी औलाद को थोड़े लक्षण थोड़ी दुनियादारी सिखाएगी ना तो जीवन सुधर जाएगा, तेरे छोरे छोरी का भी तेरा भी। चुपचाप ना बोरिया भी चले के इस गांव से निकल ले, वो ना तेरी कह नहीं समझे। बस यही कर सकते हो, यही कर सकते हो ना? मार दोगे, उजाड़ दोगे,
यही सीखा है? और कुछ सीखते भी कैसे, जब तुम सब लोग शिक्षा के मंदिर को तोड़ते आए हो जिंदगी भर। बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी माँ होती है, पर तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां खुद अनपढ़ रह गईं, तो अपने बच्चों को क्या सिखाती? हाँ, दो धमकी, निकालो माचिस और सबको जला दो, फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।